मैं शेड में आ गई, अच्छा लग रहा है। धूप बहुत हो रही है लेकिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके, मेरी हालत है, सारे बाल खुल गए हैं। तो यहाँ पे हम तीनों ने पहन ली हमारी बैंगल्स। हेलो एवरीवन, तो सुबह हो चुकी है एंड मम्मी दीदी और मैं हो चुके हैं रेडी फॉर आर हल्दी एंड मायरा फंक्शन। एंड ये है हम तीनों का फाइनल लुक। तो एक बार आशना अपना थोड़ा सा मुड़ के लुक दिखा दे आप लोगों को ताकि थोड़ा सा दिख जाए। देखिए ये मेरा फाइनल लुक है एंड आप लोग कमेंट में बताना कि हम तीनों कैसे लग रहे हैं। देखिए मम्मा ने भी पूरा गेटअप ले लिया। आज मैंने अपना पूरा ग्रीन और पूरा नीचे का येलो रंग की मैंने इस तरह से ये थीम रखी है, मैंने येलो ग्रीन का कॉम्बिनेशन। इधर जीवांशी ने पूरा पिंक रखा है क्योंकि लड़के वालों का जो भी थीम है क्लोथिंग की वो ड्रेस कोड है वो पिंक का है और हम दोनों ने अपनी मर्जी से कुछ भी पहन लिया है, वियर कर लिया है। तो काफी मजा आ रहा है और सुबह हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं फंक्शन अटेंड करने नीचे क्योंकि हम पूरा रेडी हो चुके हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से और नीचे अभी ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट होने वाला है तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे की जो भी डिटेलिंग है फंक्शन से रिलेटेड और रिगार्डिंग वो आपको हम देते रहेंगे। सो वॉच द व्लॉग टिल एंड, वॉच द होल वीडियो गाइस। बाय बाय। फाइनली हम आ चुके हैं नीचे हल्दी के फंक्शन में और अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो मैं आप लोगों को एक बार ब्रेकफास्ट का पूरा सिनेरियो दिखा देती हूँ कि किस टाइप का ब्रेकफास्ट का सिनेरियो है और कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये अभी पीछे का पूरा ओवरलुक है तो एक बार देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है। और मम्मा और आशना भी ब्रेकफास्ट के लिए गए हुए हैं, सो लेट्स सी व्हाट्स हियर। ये है यहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मिश्री बादाम, गुलकंद, पिस्ता रोल, इमरती, पोहे, हलवा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए तो यहाँ पे कर रहे हैं अभी सब लोग ब्रेकफास्ट और मम्मी और आशना भी कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं मम्मी ने क्या क्या लिया है अपनी प्लेट में अभी। तो अभी मैंने लिया है, अभी खमन लिए हैं मैंने और मैंने यहाँ की फेमस जो पुष्कर की कटी कचौरी है वो मैंने ली है यहाँ पे। देखिए और देखते हैं आगे तो क्या क्या चीज़ें अपन एक्सप्लोर करते हैं। एक बार आशना से पूछती हूँ मैं जाके कि उसने अभी तक क्या क्या लिया है। तो ये ले रही है अभी फ्रूट्स यहाँ पे। देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी क्या क्या हो रहा है, उसके बाद मैं अपनी प्लेटिंग रेडी करूँगी एंड फिर बताऊँ। सो आफ्टर टेकिंग ऑल द ब्रेकफास्ट रेसिपीज एंड प्लेटिंग के बाद आशना और मम्मी तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने बैठ चुके हैं और जो भी इन्हें आइटम्स लेने थे इन्होंने ले लिए हैं। मैंने भी अपनी प्लेटिंग कर ली है यहाँ पे तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड सिनेरियो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। हालांकि थोड़ी धूप हो गई है बट धूप ने सर्दी को काफ़ी कम कर दिया है। तो लेट्स एन्जॉय आवर ब्रेकफास्ट मील फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद आगे जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। सो वी कंटिन्यू इन द तो जी मैं आपको पूरी हल्दी सेरेमनी और मायरे का पूरा ओवरलुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ से जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे पूरा इनका सिटिंग एरिया इन्होंने बना रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। एंड जस्ट यहाँ पे स्विमिंग पूल है एंड इससे जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है। एंड मैं आगे जाके आपको एक बार स्टेज का लुक भी दिखा देती हूँ। ये सारी इस तरह से चेयर्स लगाई हुई है एंड ये पूरा यहाँ पे हल्दी का लुक है। यहाँ पे ये ब्राइड एंड ग्रूम के लिए ये स्टेज बनाया है यहाँ पे ये वाला। एंड सामने भी एक स्टेज है प्लस ये वाला स्टेज भी है फॉर डांस के लिए। एंड ये भी काफ़ी अच्छा है, ये सामने से पूरा लुक इसका। एंड अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पूल जो कि लुक को पूरा एनहेंस कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है। एंड मैं और दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसे सेपरेट पूल्स भी है, डीप वाला ये वाला है एंड अगर बच्चों के लिए चाहिए तो ये वाला पूल है। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये वाला, ये छोटे बच्चों के लिए है वो डीप वाला है। एंड वहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने कुछ गेम्स वगैरह रखे हैं। ये पूरा लुक है हमारे सावित्री रिजॉर्ट का एंड पूल भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैं शेड में आ गई, अच्छा लग रहा है। धूप बहुत हो रही है लेकिन बहुत ही सुंदर है। मैंने बताया था यहाँ पे 3-4 पार्ट्स है पूल के तो यहाँ पे एक और पार्ट है ये और भी कम है, मतलब यहाँ पे पानी जो और भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए है ताकि उनको थोड़ी मुश्किल ना हो, सब यहाँ पे इंजॉय कर सकें। एंड अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, आगे चलते हैं। ओके
तो यहाँ पे इन्होंने कोई हैशटैग लिखा है उनके नेम का, ये भी काफ़ी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लव, एंड यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारी थीम्स वगैरह, एंड ये भी पूरा डेकोरेशन है। और ये एंट्री के लिए है उनकी, पूरी एंट्री के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। यहाँ पे ये एंट्री का लुक आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये फ़ोटोज़ के लिए बनाया है ये वाला पूरा, यहाँ पे जिनको फ़ोटोज़ खिंचवानी है उसके लिए ये पूरा बैकग्राउंड तैयार करवाया है ये वाला, जस्ट पूल के पास ही है ये भी। एंड यहाँ पे गेम्स है, यहाँ पे ये शूटिंग गेम रखा है बलून्स वगैरह फोड़ने का, एंड यहाँ पे स्केच वगैरह बनवा सकते हैं। अभी हालांकि चालू नहीं हुआ है लेकिन अभी होने वाला है। यहाँ पे पैरट एस्ट्रोलॉजर बैठेंगे अभी, एंड यहाँ पे आपको लाइव लाख की चूड़ियाँ बना के वो देंगे लाइव, अभी वो भी आने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने यहाँ पे हल्दी प्लस मायरा सेलिब्रेशन इन्होंने करा है, काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी मैं एक्साइटेड भी हूँ कि अभी और क्या क्या होएगा, एंड गेम्स जब चालू होंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। इस पूरा डांस एंजॉय करने के बाद हम इसके सामने वाले एरिया में आ गए थे जहाँ की लगी थी बहुत सारी स्टॉल्स, और यहाँ पे पहली स्टॉल में लगी थी लाख की चूड़ियाँ, जहाँ पे आपको लाख की चूड़ियों को एक एक पेयर वो दे रहे थे, एंड काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ थी। तो मैंने जल्दी से मम्मी को बुलाया, मिल रही है लाख की चूड़ियाँ और ये आपको एक पेयर देंगे लाख की चूड़ियों का। तो देखिए मम्मी ने ये वाला चूज करा है अपने लिए, मेरे को येलो वाला, जेली के लिए रेड वाला, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको लाख की चूड़ियों के लिए। दीदी ने ये वाला करा है, मैं भी देखती हूँ कोई ना। यहाँ पे हम तीनों ने पहन ली हमारी बैंड है, मैंने उस हाथ में भी पहनी है, एंड काफी अच्छी लग रही है यार, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बैंगल्स मिल रही है यहाँ पे। और अब यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं, तो एक बार पूरा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, चलिए।
तो यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री से पहले उनके पेरेंट्स की यहाँ पे एंट्री हो रही है एंड बहुत ही शानदार उन्होंने यहाँ पे एंट्री करी है बहुत सारे डांस एंड मस्ती के साथ में। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही ब्राइड एंड ग्रूम की भी एंट्री हो जाती है एंड देखिए क्या डांस उन्होंने करा है। तो यहाँ पे आशना शूटिंग गेम खेल रही है गन शूट से बलून को जो शूट करते हैं वो, तो इसको मज़ा आया कितने गन शूट्स किए आशना ने एक बार देखते हैं। तो देखते हैं आशना गन शूट कर पाती है या नहीं, लेट्स सी। तो इसने ट्राई तो किया, दो बार खेला भी, बट एक बार तो हुआ एक बार नहीं हुआ। बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूल साइड एरिया है, डेकोरेशन है, देखिए पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं। तो बहुत 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 मज़ा आ रहा है हमको यहाँ पे। और अभी एक स्पेशल सी चीज़ के लिए मम्मा यहाँ पे वेट कर रही है, मैं बताऊँगी नहीं कि कौन सी स्पेशल चीज़ है। देखिए ये देखिए आप लोग, एक स्केच का एक यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पे मम्मी अपना स्केच बनवा रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी का स्केच बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और ये भैया स्केच बना रहे हैं मम्मी का यहाँ पर। तो यहाँ पे मम्मी को बिना हिले वैसे बैठना है ताकि पूरा एज इट इज स्केच बने। आफ्टर स्केच के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे आप सब सोच रहे होंगे आशना यहाँ पे क्या कर रही है जब स्केच बन रहा है, तो आशना यहाँ पे इसलिए खड़ी ताकि मम्मा को धूप ना आए, क्योंकि धूप आ रही है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्केच बनने में। तो देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर स्केचेस यहाँ पे बना रखे हैं, और मम्मी का भी स्केच बन रहा है। मम्मी ऐसे बैठी हुई एकदम स्टिल होगी क्योंकि हिल नहीं सकते। देखिए स्केच बन रहा है मम्मी का यहाँ, ये भैया स्केच बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्केच बनाते हैं, एकदम लाइव स्केचेस लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड है कि कैसे बनने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी का जो स्केच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं व्लॉग में कितना सुंदर स्केच बनाया है। और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी काफी देर से, बड़ा आशना का टर्न है, वो बैठ गई है। बहुत अच्छा स्केच बनाया भैया ने। जा रहा है आशना का स्केच, तो देखिए आशना यहाँ बैठी हुई है एंड भैया स्केच बना रहे हैं आशना का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए और देखते हैं स्केच कैसा बन रहा है, देखते हैं। स्केच बनना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे आशना का, जैसे कि देख सकते हैं अपन। अभी यहाँ पे देखिए ग्रूम को पूल में लेके जा रहे हैं आफ्टर हल्दी, ताकि थोड़ी सी बेथिंग भी हो जाए और थोड़ा फ्रेश फील हो। देखते हैं क्या हो रहा है। रे 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 रे।
एंड ये पूल में फेंकने वाले इनको। पीछे मैं दिखाती हूँ एक बार। तो फन डबल हो गया इसके बाद। तो यहाँ पे पूल मस्ती के बाद में दीदी आ गई थी शूटिंग गेम खेलने के लिए, एंड पर दीदी का एक भी बलून यहाँ पे नहीं फूटा। मैंने ज़्यादा फोड़े थे पर कोई बात नहीं, दीदी एक शॉट और यहाँ पे ट्राई कर रही है, मे बी फूट जाए। यहाँ पे दीदी का भी स्केच बन रहा है एंड दीदी भी यहाँ पे बैठ चुकी है, एंड यहाँ पे अंकल बना रहे हैं दीदी का भी स्केच, बन रहा है अभी तो, सिर्फ अभी फेस वगैरह बनना है, अभी पूरी बाउंड्री वगैरह बनेगी। सो देखते हैं दीदी का भी कैसा लुक आता है पूरा। यहाँ पे दीदी का स्केच ऑलमोस्ट रेडी है एंड मैं दिखाती हूँ आपको इन्होंने कितना सुंदर बनाया है, एंड अभी थोड़ी बहुत फिनिशिंग इसमें और बची है फिर ही रेडी हो जाएगा। एंड आई एम रियली टायर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी है मेरी हालत, सारे बाल खुल गए हैं बट ठीक है अभी रेडी हो जाएंगे वापस से, थोड़ा सा सही हो जाएंगे फिर जाएंगे हम मायरे। गाइस आफ्टर स्केच, स्केच के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारी लंच लोकेशन पे, आप पीछे देख सकते हैं ये है पीछे की हमारी पूरी लंच लोकेशन। और आज लंच में क्या है हल्दी के फंक्शन में, यहाँ पर है द मोस्ट स्पेशल आर हेरिटेज फूड दाल बाटी चूरमा। तो देखिए मम्मी और आशना बैठ चुके हैं और मेरा भी खाना लग चुका है, मैं भी लंच करूँगी तो प्लीज़ एक बार देखें आप लोग। तो देखिए आशना ने स्टार्ट कर दिया है और खाने में क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं, अभी और चीज़ें आने वाली है देख सकते हैं आप, मम्मी ने भी स्टार्ट कर दिया है। और खाने में है छाछ दाल मंगोड़ी गट्टे लड्डू टपोरे बाटी सैलेड एंड श्रीखंड, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा लंच एंड मेरी थाली भी लग चुकी है, सो अब हम वही खाएँगे। हमको मायरे में चीजें मिल चुकी है, बच्चों को भी मिल चुका है और बाकी का फंक्शन अभी मायरे का चल रहा है और वो थोड़ी देर और चलता रहेगा, लेकिन अब हमको शाम की भी तैयारी करनी है और शाम को फंक्शन है महिला संगीत का, तो उसके लिए भी हमको प्रिपरेशन करनी है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट के लिए चलेंगे और शाम को आपको वापस मिलते हैं और इस तरह के फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस बहुत 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 अच्छा फंक्शन रहा, प्लस हमारे स्केचेस भी कम्प्लीट हो गए, अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको पूरा। तो बहुत 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 अच्छा रहा सब कुछ, ये फंक्शन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि फिर तो रेडी होना ही है एंड फिर आपको हम दिखाएंगे हमारा शाम का लुक। तब तक के लिए